अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुवैत खबर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, खबर की शुरुआत करता हूं बड़ी बहुत ही बड़ी खबर से, और बहुत ही बुरी खबर है आप लोगों के लिए जो भी कुवैत में आप रहते हो। यदि कोई भी क्राइम करने के बारे में भाई आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, कुवैत में फिर से कोर्ट के तरफ से एक शख्स को वहां पे फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हां दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको सही बताने जा रहा हूं, खबर को मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं। कुवैती मैन सेंटेंस्ड डेथ फॉर वाइफ मर्डर एंड डिस्क्रिमिनेशन। साथियों, कुवैत में एक कुवैती महिला का उसके पति के द्वारा यानी उसके शौहर के द्वारा हत्या किया गया था, उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया और काफी दिनों से इस पे केस चल रही थी, लगातार सुनवाई पे सुनवाई हो रही थी, लगातार दोस्तों वहां पे सबूतों को एक जगह इकट्ठित किया जा रहा था। तो फाइनली दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है कि वो कुवैती नागरिक जो है उसका जुर्म साबित हुआ कि उन्होंने ही अपने बीवी का हत्या किया था, जिसके बाद उस कुवैती शख्स को वहां पे फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, अब खबर को यहाँ पूरा पढ़ भी सकते हो दोस्तों। ये कुवैत का रहने वाला ये कुवैती नागरिक था जिन्होंने अपने बीवी की हत्या करने के आरोप में उसे अरेस्टिंग किया गया था, फिलहाल उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। अब फांसी कब होगी नहीं होगी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, जैसे कि उस पर अपडेट आएगी मैं आप तक शेयर कर दूंगा। दूसरी खबर दोस्तों जो आ रही, बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर खास तौर पे इंडियन भाइयों के लिए। तो भाइयों, आप लोग जैसा कि जानते हो, यदि आप इंडिया के क्रिकेट के फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि कल के दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मैच था T20 वर्ल्ड कप का। तो उस दरमियान साथियों, इंडिया के तरफ से पहले बैटिंग की गई, 176 रन इंडिया के तरफ से बनाया गया, वहीं पे साउथ अफ्रीका के तरफ से 170 में ही दोस्तों वो लोग जो है वो ओवर खत्म हो गया, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो 7 रनों से जीत गया। तो साथियों, इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कल के दिन बना है। उसके साथ साथ तीन बुरी खबर दोस्तों आ रही है इंडियन लोगों के लिए। यदि आप इंडिया के क्रिकेट के फैन हैं तो आप लोग ये जानना बहुत ही जरूरी है। भाई, आप लोग विराट कोहली के तो जानते होंगे, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा जो इंडिया के कैप्टन है, और रविंद्र जडेजा, इसको भी जानते होंगे। तो दोस्तों फाइनली तीनों प्लेयर की तरफ से कल अनाउंसमेंट किया गया एक एक करके। पहले विराट कोहली ने अनाउंसमेंट किया कि वो T20 में अब मैच नहीं खेलना चाहते, वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। दूसरा, रोहित शर्मा की तरफ से यही अनाउंसमेंट की गई कि रोहित शर्मा भी आने वाले अब T20 मैच में अब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तीसरा, रविंद्र जडेजा जो है उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि रविंद्र जडेजा भी अब T20 में मैच को नहीं खेलेंगे, वो तीनों जो है अब आपको टेस्ट मैच में और वनडे में आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, यदि विराट कोहली के आप फैन थे या फिर रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा को, तो आने वाले वक्त में आप लोग उनको T20 मैच में नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑफिशियली उनके तरफ से अनाउंसमेंट किया जा चुका है। पर दोस्तों, जो भी हो, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जो है हमारा मुल्क जीत चुका है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अगली खबर की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों, पावर आउटेज इन लिमिटेड पार्ट ऑफ हवेली एंड अलसा। साथियों, कुवैत में इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही, जैसा कि आप लोग सभी बाखूबी इसके बारे में जानते ही होंगे। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि बहुत सारे जगह पर लोड शेडिंग किया जा रहा है। मैंने आपको पूरा लिस्ट बताया था, 40 जगहों पे 1 से 2 घंटा लाइट काटी जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें भी हो रही। इंडस्ट्रियल एरिया में भी दोस्तों लाइटें वगैरह काटी जा रही है। तो अभी खबर निकल कर ये आ रही है कि हवेली में और साब में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही, पावर आउटेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बढ़ चुकी है, और गर्मी को देखते हुए वहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को मतलब मेंटेन करने के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल रही है। तो भाई, यदि किसी तरह का आपके मन में सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो कुवैत के बारे में, वीज़ा, फ्लाइट, टिकट, जॉब के बारे में, तो मुझे कॉमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।